गंदे गंदे इशारे करती है पब्लिक के सामने, बोल रही मैं भी बहुत फेमस हो रही हूँ गंदे गंदे इशारे कर कर। मैं घमंड नहीं करती हूँ कि मैं फेमस होंगी तो किसी से बात नहीं करूंगी, ईगो दिखाऊंगी, ऐसा मेरे मुझ में नहीं है। आपको कितना मजा आता है काम करके और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है बताना चाहेंगे? अभी आप सिंगल हैं जी, दर्शक लोग जाने चाहेंगे आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके कोई चाहने वाले तो होंगे ही ना होंगे? पवन सिंह जी अच्छा लगता है आपको? हाँ रिश्ते तो आते, पर अभी शादी नहीं करनी मुझे, मेरा मन नहीं करता शादी करने का। मतलब सीधा सीधा कहना है कि आपसे जलते हैं लोग। हाँ, और पब्लिक से आपको कितना परेशानी होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एचन्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं वायरल गर्ल काजल जी, जो कि अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं। हर जगह आप रील्स पे, फेसबुक पे, हर जगह इन्हीं का वीडियो देखते होंगे, तो आज आपको रूबरू करवाते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं जी? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और कैसा लग रहा है वायरल होकर, मतलब सभी जगह आप ही का चर्चा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है, इज्जत मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपसे गुजारिश है थोड़ा जोर से बोलिए ना। बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल रहेगा कि कब आप आई थिएटर में और क्या आपने सोचा था ड्रीम लेकर आई है, बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? 6-7 महीने हो गए। लेकिन बात ये पिछले साल की नहीं, सोनपुर से आपका हाँ। सोनपुर से ही आपका वीडियो वायरल होने लगा था। 6-7 महीने हो गए, मतलब 1 साल होने वाला है, ये मेरा 3रा थिएटर है। थिएटर में आने का कोई कारण था या अपना मर्जी से या शौक था, बताना चाहिए? डांस का शौक था, थोड़ी बहुत मजबूरी थी। एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि मुझे आर्मी बनना था, तो क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? वो पुलिस बनने का, मतलब मेरे पापा जो थे उनका सपना था पुलिस बनाने का, पर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी ना, तो इस वजह से नहीं बन पाई थी। अब नहीं है, पुलिस बनने का सपना टूट गया। अच्छा, अभी आप डांस कर रही हैं, वायरल हो गई हैं और दर्शकों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान है बताना चाहेंगे? जी मैं मूवी में काम करना चाहती हूँ। अभी अभी जिस तरह से आप वायरल हुई हैं, भोजपुरी या हिंदी कई जगह से तो आपको ऑफर मिला ही होगा। आ रहा है अभी, पर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ ना, अगले मंथ से शूटिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। एक सवाल रहेगा, थिएटर की लड़कियों को कुछ समाज में अलग नज़रिए से देखते हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं और इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं तो ना, मतलब कुछ गलत नहीं होता थिएटर में, सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हुई हूँ, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ आ रखी है। अंदर सबको, मतलब सबको रूम दे रखे है सेफ्टी से, सारी चीज़ें, पुलिस वाले खड़े रहते हैं बाहर, कुछ बदतमीजी नहीं हो पाती, कुछ गलत नहीं है थिएटर में, सब अच्छा है। आपको कितना मज़ा आता है काम करके और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है बताना चाहेंगे? बहुत मज़ा आता है, पर कुछ लोग बदतमीजी करते हैं बिन फालतू में, मतलब जैसे लड़की होती है ना, मैं जलत के मारे बोलती है कि इसको हटवाओ यहाँ से, इसको इसके साथ बदतमीजी करो, तो बदतमीजी करते हैं, मैं इग्नोर करके फिर मैं दूसरी जगह खड़ी हो जाती हूँ। मतलब अपने ही ग्रुप की लड़कियाँ ऐसा करती हैं? हाँ, बहुत लड़कियाँ। तो बाद में आप क्लास नहीं लेती हैं उनकी कि ऐसा क्यों करती हैं? मैं किसी को कुछ नहीं कहती, बस इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, मूवी में आपके ऑफर आ रहे हैं, बताना चाहेंगे कि किन के साथ या कुछ दर्शकों को, भोजपुरी या फिर हिंदी? जी केसारी लाल, पवन सिंह जी ने ऑफर दिए थे। अच्छा, सॉन्ग के लिए जी। तो कब तक दर्शकों के सामने आएगा आपका वीडियो गाना? अगले महीने जी। अभी कितने दिन थिएटर रन यहाँ राजगीर में है? 16 तक रहेगा। 16 तक जी, उसके बाद? उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर सब अपने घर चले जाएंगे। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं नोएडा, दिल्ली से। अच्छा, आपने थिएटर कब ज्वाइन की थी, मतलब ये वाला या कब से काम कर रही हूँ यहाँ पर? हाँ, कब से काम कर रही हूँ? 1 साल होने वाला है, मतलब थिएटर में 1 साल नहीं होने वाला, थिएटर तो मैंने 3 ही किए, पर फेमस हुए हुए मुझे 1 साल होने वाला है। क्या सोचा था आपने कि मतलब थिएटर में आ गए? ऐसे आप इतने खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, डांस इतना अच्छा करती हैं, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं की और फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन की? पहले इतनी अकल नहीं थी, मतलब दिमाग में कोई था नहीं समझाने वाला, सब लोग फैमिली साथ में है मेरे। पहले मैं अपनी मर्जी से आई थी, मतलब डांस का शौक था, तो घर में मजबूरी भी थोड़ी, तो मैं मजबूरी देखकर घर की यहाँ पर आ गई थी, किसी की, मतलब किसी जान पहचान हो गई थी वहीं पर मोहल्ले में, तो मैं लेकर आ गए थे, मुझे उनके थ्रू आई थी मैं। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? अभी बताई तो थी, नोएडा, दिल्ली से। नोएडा से। भोजपुरी में आप काम करने वाली हैं, कौन से सुपरस्टार आपको अच्छे लगते हैं अभी तक? सब अच्छे लगते हैं। नहीं, आपके पसंदीदा होंगे ना, क्योंकि मैंने आपको देखा है भोजपुरी गानों पे भी डांस करते हुए, हिंदी गानों पे भी डांस करते हुए, तो बताना चाहेंगे?
सदा सिंह अच्छी लगती है। जोर से बोलिए। मुझे उनका नाम नहीं लगा। अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह। और एक्टर में पवन सिंह। पवन सिंह जी अच्छा लगता है आपको। पवन सिंह जी के साथ फिल्म ऑफर आएगा तो करना चाहेंगे? जी करना चाहूंगी। और खेसारी जी के साथ आएगा तो? जी करना चाहूंगी। अभी आपका एक हाल ही में सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है, उसमें आप आंख का वो इशारा बहुत है, कैसे कर रहे थे हमारे दर्शकों को कैमरा पे करके दिखाइएगा। एक आंख। हाँ, एक दोनों आंख को बड़ा कर रहे थे उसमें। बहुत मस्ती, मतलब लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ लड़कियां सारी एंजॉय करके और काम करती हैं। और कई लड़कियों का ये भी कहना है कि एक लड़की का मतलब थिएटर का इंटरव्यू देखा था तो उसमें कह रही थी कि मुझे पैसे मिले या ना मिले, मुझे नाचना है, मुझे बस मुझे नाचने का शौक है, नाचने का जुनून है। तो बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं, मतलब घमंड में, ईगो में रहती है। लोग एक लड़की बोल रही कि मतलब गंदे गंदे कमेंट्स करती है लड़कों को, बोल रही मतलब मैं कोई गंदे के तरीके से थोड़ी वायरल हुई, मतलब जो मेरा इंटरव्यू दिया था अपना मजबूरी बताई थी उसमें, तो वो इंटरव्यू वायरल हुआ था। पर यहाँ पर लड़की सोच रही है कि मैं बदतमीजी से वायरल हुई हूँ तो मेरी मतलब गंदे गंदे इशारे करती है पब्लिक के सामने, बोल रही मैं भी बहुत फेमस हो रही हूँ गंदे गंदे इशारे कर कर। इसे कोई फेमस थोड़ी होना कहते हैं, फेमस तो अपनी आदत अखलाक से होते हैं। इन सब चीज़ों से आपको कितना फ़र्क पड़ता है? जी गलत बात है, फेमस अगर गंदे गंदे इशारे करती है लड़की तो सब लड़कियों का नाम खराब होता है। दो तीन लड़की की वजह से पूरे थिएटर की बदनामी होती है, सब सोचते हैं कि सारी लड़की बदतमीजी करती है, मतलब गलत ही सोचते हैं, सब सोचते नाचने वाली है यो है वो है। अच्छा, थिएटर में उतनी सारी लड़कियां रहती हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? फ्रेंडशिप होती होगी या फिर सब अलग अलग जगह से ही होते होंगे ना, कैसे सब मैनेज कर पाती हैं? जी मैं, कोई मुझसे बोले या ना बोले, मैं सबसे हंस के बोलती हूँ, भले से वो मुझसे बात ना करें मैं एक बार बोलूँगी ठीक हो आप, ना बोले तो कोई बात नहीं, पर मैं सबसे सही बोलती हूँ। मैं घमंड नहीं करती हूँ कि मैं फेमस होंगी तो किसी से बात नहीं करूँगी, ईगो दिखाऊँगी, ऐसा मेरे मुझ में नहीं है। पब्लिक भी अगर मुझसे सेल्फी मांगती हो मैं एकदम सबकी सेल्फी दे देती हूँ सबको। बहुत सी लड़कियाँ घमंड करती हूँ, बोल मुझे मतलब मुझे दिखाने के लिए बोलती है कि देख तो काजल मुझसे सेल्फी मांग रहा है, मैं दे नहीं रही हूँ। मैंने ये भी कोई बात है, सेल्फी तो मांग रहा है, इतनी दूर से आए तुम्हें देखने के लिए, मैं सेल्फी देने में क्या बात है, आप सबके सामने डांस कर रही हो तब मैं लोग नहीं देखेगा आपको। आपको चाहते हैं तभी तो लोग प्यार करते हैं, तभी तो सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, कि नहीं? फिर मैंने उनको सेल्फी दी, खुश हो गए। बिल्कुल खुश होंगे, आपके तो अभी फैंस इतना चाहने वाले हैं कि मत पूछिए। कैसा लगता है, कितना कैसा फील होता है, बताना चाहेंगे दर्शकों को? बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे नाम से ना बहुत लोगों ने मतलब फेक आईडी बना रखी है और उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जब से मैं फेमस हुई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी अकाउंट नहीं बना रखे थे अपने, ना इंस्टाग्राम पर ना यूट्यूब पर। अब मैंने अपने न्यू अकाउंट बनाए हैं काजल व्लॉग 20 नाम से, यूट्यूब पर। हाँ, यूट्यूब का है काजल व्लॉग 20 और इंस्टाग्राम का है काजल भोजपुरी लाइव। काजल भोजपुरी लाइव इंस्टाग्राम पे जी। अच्छा, ये हम मेंशन कर देंगे, और ऐसा ना हो आपके साथ आपके ओरिजिनल आईडी पे ही प्यार मिले आपके जितने सारे वीडियो हो उसके लिए हम ये चीज़ मेंशन कर देंगे। जी बहुत सारे लोगों ने बना रखी ना फेक आईडी, उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। अच्छा, फिल्म करने गाने के ऑफर आ रहे हैं, फिल्म में जाएगी, आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, बताना चाहेंगे? बस यही करना है, शूटिंग बस यही करना है। हाँ, शूटिंग करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपना घर बनाना है, घर तो बन रहा है। अभी आप सिंगल हैं जी। दर्शक लोग जाने चाहेंगे, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके कोई चाहने वाले तो होंगे ही ना होंगे? नहीं, कोई मतलब फ्रेंड्स लोग हैं सब लोग, अभी वो फ्रेंड नहीं बनाना है क्योंकि क्यों नहीं अभी फैमिली पे ध्यान देना है, घर बनाना है पहले, फिर बॉयफ्रेंड के बारे में। नहीं, रिश्ते तो बहुत आते होंगे। हाँ, रिश्ते तो आते, पर अभी शादी नहीं करनी मुझे, मेरा मन नहीं करता शादी करने का। क्यों नहीं? हर एक लड़की का सपना होता है शादी करने का। शादी होकर फिर कैद हो जाते ना आदमी, फिर बाहर नहीं निकलने देते, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारी जो फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है उनका शादी हो चुका है फिर भी वो काम कर रही है। वो तो मतलब काम तो करती है पर अंदर ही अंदर क्या हो रहा है वो थोड़ी पता है किसको। किसी को लड़ाई झगड़े तो होते हैं। अच्छा, जब आप एक्ट्रेस बन जाइएगा भोजपुरी की, चाहे भोजपुरी तक ही सीमित रहना या फिर बॉलीवुड का भी सपना है? जी मुझे मतलब हिंदी मूवी में काम करने का सपना है, नाटक में, सीरियल में। अच्छा, सीरियल में जी। कौन सा सीरियल आपको अच्छा लगता है? कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य, मतलब प्रेम वाला ही सीरियल आपको अच्छा लगता है। जब आप एक्ट्रेस बन जाइएगा बहुत बड़ी, तो क्या थिएटर कीजिएगा? नहीं, थिएटर नहीं करूँगी फिर।
थिएटर नहीं कीजिएगा? थिएटर नहीं, मेरा लास्ट है, अब नहीं आऊंगी थिएटर में। अच्छा, ये बस इसी वर्ष पर, उसके बाद नहीं? नहीं, दर्शकों का फिर दिल तोड़ दीजिएगा? नहीं, बात तो करूंगी, मतलब क्या है थिएटर में और बाहर जाकर सब लोगों को मैं याद रखूंगी। अच्छा, क्या थिएटर के आपने बहुत अच्छाइयाँ ही बताई, क्या कुछ मतलब उसमें गलत है जो आपको आपको रियल में वो चीज़ गलत लगता है कि नहीं ऐसा ये नहीं होना चाहिए यार? बस लड़की बदतमीजी करती है, जो लड़के होते हैं, आदमी लोग होते हैं, जो भी होते हैं लड़कियों के फ्रेंड्स, वो बदतमीजी जब करते हैं ना दूसरों के कहने पर आगे बिन खता के, जबकि मेरी कुछ गलती नहीं रहेगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी पब्लिक को, तो अपनी दूसरी मतलब फ्रेंड के चक्कर में आके मुझे बदतमीजी करते हैं, बोलते हैं यहाँ से भाग, क्यों खड़ी है यहाँ पर। जैसे मैं सेल्फी देती हूँ, किसी को भीड़ हो जाती है ना इकट्ठी, तो मैं भगवा देती हूँ, लड़के बोलते हैं इनको भगाओ इनको भगाओ, तो मैं फिर भी मायूस होकर चली जाती हूँ। मतलब सीधा सीधा कहना है कि आपसे जलते हैं लोग। हाँ, और पब्लिक से आपको कितना परेशानी होता है? नहीं, पब्लिक से नहीं होती। हाँ, पब्लिक तो बहुत सपोर्ट करती है, खुश हो जाती है जब मैं स्टेज पर जाती हूँ ना। मैंने देखा वो सब खड़े हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाता है एकदम। हाँ, अच्छा लगता होगा एकदम। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आपका यूट्यूब मतलब आपका चैनल अगर मुझे सब्सक्राइब करवाना तो आपके चैनल का नाम बता दीजिए। एच न्यूज़। आप लोग इनको सपोर्ट करिए, साथ में मुझे भी सपोर्ट करिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है काजल ब्लॉग 20 और इंस्टाग्राम चैनल है काजल भोजपुरी लाइफ। आप लोग प्लीज़ मुझे भी सब्सक्राइब करिए, इनको भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ देखिए एक वायरल गर्ल काजल जी, और बहुत सारे इनसे बात हुई और अच्छा लगा इनसे बात करके, और जो ये बताएं कि थिएटर की लड़कियां गलत नहीं होती हैं, बस कोई अपने शौक से करती हैं, कोई उनका मजबूरी होता है, बाकी ऐसा जो लोग बाहर के लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत सारे अफवाह फैलाए हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग काम करते हैं, डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, है कि नहीं? सबका जैसे जैसे अपना काम होता है उस तरह से ये लोग अपना काम करती हैं। बाकी काजल जी को जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे ढेर सारा प्यार और दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को दीजिए। और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, चाहे इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।